हाँ मैंने मेल भेजा है। हाँ एक्चुअली वो वायरस पहले भी पाया गया है। हाँ मैंने सारे डिटेल्स मेल में लिखे हैं, तुम एक बार चेक कर लो, मैं तुम्हें फिर से फोन करती हूँ। ओके बाय। हॉस्पिटल में पूछा? हाँ सर। पुलिस स्टेशन में पूछा? हाँ सर। और अपने खबरियों से पूछा? सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास सिर्फ हाँ हाँ और हाँ ही है। लेकिन उस आदमी के बारे में पूछा जिसके शरीर में वो वायरस है, उसका पता चला तो ना सर। हैं? फायदा क्या है सर? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट केयर, कोशिश करो, कुछ भी करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, दैट्स ऑल, रिजल्ट। सर क्या? सर तारिका का मेल आया। जल्दी पढ़ो। दो घोड़े और तीन भेड़ों के शरीर में भी ऐसे वायरस पाए गए थे और पांचों की मौत हो गई। लेकिन सर ये जानवरों का वायरस इंसानों में कैसे आ गया? सर सर डॉक्टर संकल्प नाम के साइंटिस्ट ने इस वायरस का आविष्कार किया था। डॉक्टर संकल्प? जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आपने दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी। जी मैं डॉक्टर संकल्प को दवाई दे रही थी। क्यों, क्या हुआ उनको? उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? आई एम सॉरी लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने थे उनसे एक केस के सिलसिले में। लेकिन सर वो तो देखिए, हम जानते हैं सही वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डॉक्टर संकल्प आपकी कोई भी मदद कर पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप खुद ही देख लीजिए। आइए आप। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर संकल्प? डॉक्टर संकल्प हम लोग सीआईडी से। देखिए आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक जरूरी सवाल पूछना है आपसे। देखिए अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपनी पलकें सिर्फ एक बार झपकाइए, और जवाब ना में है तो दो बार पलकें झपकाइए। प्लीज डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर संकल्प हम एक ऐसे वायरस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी खोज आपने 3 साल पहले की थी, और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया आपने घोड़ों और भेड़ों के ऊपर। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में हमें? सही कुछ कहना चाहते हैं? लगता है कुछ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर संकल्प क्या कहना चाहते हैं आप? फी टेबल? नहीं। डॉक्टर संकल्प आप कहीं कबर्ड की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? संकल्प क्या इस फाइल की तरफ इशारा कर रहे थे आप? इस फाइल में कुछ खास है? ऐसा क्या है इस फाइल में? क्या हुआ सर?
ये डॉक्टर संकल्प डीबीसी कंपनी के लिए कुछ जानलेवा वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कौन से रिसर्च पे काम कर रही थी सर? सर इनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे इन्हें इमीडिएट का इंजेक्शन देना पड़ेगा, आप लोग प्लीज। देखिए तकलीफ देने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन आपको जो करना है प्लीज कीजिए, इनको हॉस्पिटल ले आने में हम आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। सर पूरी एशियाटिक लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन वो क्लू कहीं लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो लाइब्रेरी के आसपास के एरिया में ही होगा। हाँ, या कोई बाइक स्कूटर या गाड़ी या आसपास के किसी चीज पे हो, देखते हैं चारों तरफ। देखो इसमें तो कुछ नहीं है, यही कहीं होगा आसपास, ढूंढो। सर कोड बंद करो, जल्दी कोड बंद करो, 3198। सर इस बार तो 10 मिनट पहले उस कैदी को बचा लिया। ये अगले कैदी को बचाने में ये समय काम आएगा, समझे? ये क्या लिखा है? डॉगिंग यूनिवर्सिटी, हैंगिंग अंडर बे, एलिफेंट अरेबियन कोस्ट है। ये क्या चक्कर है? अरेबियन कोस्ट बे एलिफेंट, इसका क्या मतलब है? ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी कहीं हैंगिंग गार्डन के आसपास यूनिवर्सिटी तो नहीं? नहीं सर, हैंगिंग गार्डन के पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। सर हो सकता है ये एलिफेंटा केव्स हो सर। हाँ, ये अरेबियन कोस्ट पर तो एलिफेंटा केव्स है। नहीं देर, ये एलिफेंटा केव्स नहीं होगा, वहाँ जाने में तो 3 घंटे लग जाएंगे, और खूनी ने हर कैदी को बचाने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा दिया है। सर हो सकता है उस खूनी की चाल हो, ताकि हम पहुँचने में लेट हो जाएं और वो फिर एक कैदी को मार सके। नहीं, वो तो चाहता है कि हम ये बुद्धि सुलझाए, ताकि आखिर में वो हमसे ऐसा कोई काम करवाए जिससे हमारी बेइज्जती हो और वो खुश हो जाएगा। ठीक कह रहे भैया, ये गुप्ती शायद सुलझ जाएगी। ये जो जितने लेटर्स है ना, ये सब अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर्स है। जरा पेन देना। सो ये देखो, जे यू एच यू बी ई ए सी एच, जे यू एच यू बी ई ए सी एच, जू बीच, मतलब हमारा अगला अक्षर जू बीच में मिलेगा। जू बीच, लेट्स गो। You don't worry about it. Yes, yes, it will be done. आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो मैंने कह दिया हो जाएगा। Yes, yes, yes. We have a meeting tomorrow. ठीक है, कल फोन कर रहा हूँ मैं। ओके बाय। मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से, और आप मिस्टर विनोद सीईओ इस कंपनी के। जी जी बिल्कुल, बट सीआईडी, यहाँ पे सीआईडी का क्या काम है? डॉक्टर संकल्प को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं डॉक्टर संकल्प को नहीं जानता हूँ। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। ये फाइल हमें संकल्प के घर में से मिली। देखिए, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ कॉपरेट करें। देखिए सर, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कई तरह की दवाई और केमिकल्स पर एक साथ रिसर्च किया जाता है हमारी लैब। मिस्टर विनोद, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, समझे आप? आपसे इतना बताइए, क्या आप डॉक्टर संकल्प को जानते हैं या नहीं? सर, डॉक्टर संकल्प अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे होंगे
तो भी मुझे नहीं पता। BTX के प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे विनोद जी, है ना? BTX? I mean, ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन सर, हेलो, क्या कब और कैसे? ओके, ठीक है। क्या हुआ? सर, डॉक्टर संकल्प की मौत हो गई है। क्या? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से सर। विनोद जी, डॉक्टर संकल्प की तो मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से। सर, तारिका, सर, क्या हुआ? बाथरूम लौट पे मुझ पर किसी ने हमला किया। सालों के सर को मैंने फोन किया तो उनको पता चला कि आप यहाँ है, तो इसलिए यहाँ आ गई। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन किसी ने वो जानलेवा वायरस तो तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया? नहीं सर, बस कुछ देर के लिए बेहोश किया था। किसने किसने किया ये? जिस पेन ड्राइव में संकल्प जी की इंफॉर्मेशन थी उसे चुराने के लिए। क्या तुमसे किसी ने संकल्प की सारी जानकारी छीन ली? हाँ। इसका मतलब है कोई तो है जो जान गया कि हम उस BTX प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन कर रहे हैं। हाँ सर, और वो नहीं चाहता कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। विनोद जी, आप संकल्प को जानते नहीं ना? नहीं। ये दूसरी गोली आपके घुटने में होगी। तो बताइए, BTX प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो? बताओ जल्दी। सर, 3 साल पहले तस्करी के फार्म हाउस में घोड़ों और बैड़ों को जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्हीं को बचाने के लिए हमने BTX वैक्सीन बनाया था और ये काम डॉक्टर संकल्प को सौंपा गया था। जी हाँ सर, वो डिपार्टमेंट के हेड थे। लेकिन क्या? लेकिन सर, गहराई से रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि BTX वैक्सीन इंसानों को मारने के लिए भी काम आता है। तुम्हारा मतलब है कि BTX एक बायो वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, विदेश की आर्मी को अगर हम ये बेचते तो करोड़ों रुपये का फायदा होता था। लेकिन क्या? लेकिन BTX पैक करके पार्सल करने में हमें दिक्कत हो रही थी सर। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्लास टूट जाते थे और उसमें से जो गैस निकलती थी उसकी वजह से हमारे भी कई आदमी मारे गए। और इसीलिए आपने BTX प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया? जी हाँ, और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जो BTX वायरस बना हुआ था उसका क्या किया? सब डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, यहाँ तक कि रिसर्च पेपर्स, डेटा, एवरीथिंग आई हैव डिस्ट्रॉयड। तो फिर विनोद जी, वो वायरस वापस कैसे आ गया? सर, वापस कैसे? सर मुझे नहीं पता, पर आज मैं सच सच बता देना चाहता हूँ। सर, ये एक सीक्रेट मिशन था। मेरे अलावा डॉक्टर संकल्प और उसके असिस्टेंट माया, ये दोनों को भी पता था सर। डॉक्टर संकल्प का असिस्टेंट माया? कहाँ है ये माया? कुछ साल पहले माया केमिकल्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था, अब वो जेल में है सर। माया जेल में है? पता लगाना पड़ेगा कौन सी जेल में है ये माया। अभिजीत,
पर कुछ लिखा नहीं है। कोड कहाँ है? कोड निकालो सर, निकालो जल्दी सर, निकालो कोड डालो जल्दी। 7372 बच गया सर, सर बस अब एक आखिरी कैदी और बचा है सर। और आखिरी सांस से वो खून ही लेगा आप। अब ये आखिरी कोड, इसको तोड़ना है। वहाँ है खाड़ी और समंदर, इंद्रधनुष और बादल का गरजना है जिसके अंदर, पास ही में है चैनो अमन का अनुभव होता है सुंदर सुंदर। सर खाड़ी और समंदर, सर मुंबई में ऐसी कई जगह सर, माहिम क्रीक, गुरई क्रीक और सब थाने मारवे, लेकिन ऐसी जगह पर इंद्रधनुष और बादल का गरजना, ये क्या चक्कर है? बादल का गरजना, इंद्रधनुष, बिजली, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये पहेली। रेनबो और थंडर है उसके अंदर सर। अम्यूजमेंट वर्ल्ड में रेनबो और थंडर नाम के तो छूटे हैं सर। अम्यूजमेंट वर्ल्ड गौराई बीच, गौराई खाड़ी, मतलब हमारा अगला पड़ाव इस गौराई खाड़ी, गौराई बीच के पास है। लेकिन ये चैनो अमन, वहां पे चैनो अमन क्या हो सकता है? चैनो अमन यानी विपासना, वो पगोड़ा है ना वहां पे गुराई में, अब वहां पे चैनो अमन ही तो है। या पगोड़ा नहीं सर, आप लोग माया से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली माया इस हालत में है ही नहीं कि कोई उससे बात कर सके। उसे ट्रीटमेंट के लिए जेल के हॉस्पिटल में रखा गया है। हुआ क्या उसे? एक्चुअली सर कुछ हफ्ते पहले जेल के हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उस आग में माया बुरी तरह से जल गया था और इसीलिए वो अभी तक आईसीयू में ही है। सर अगर माया आईसीयू में तो फिर ये सब? हाँ सर, क्योंकि माया के अलावा इस सीक्रेट प्रोजेक्ट और वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ, और उसी ने चोरी की थी रिसर्च यूनिट में से। एक काम कीजिए, मुझे वो लिस्ट दीजिए उन कैदियों की जो माया के साथ उसके सेल में थे। सर ये रही उन कैदियों की लिस्ट। विक्रांत, विक्रांत का नाम है माया किस्ता। ये वही विक्रांत है ना जिसे हमने पकड़ा था कबरी दीकू की मदद से? हाँ सर। शायद बदला ले रहा है अब सीआईडी वालों से। जरूर इसने पहले भिकू को मारा होगा, पर अब हमसे बदला लेने की सोच रहा है। लेकिन सर विक्रांत तो उस हॉस्पिटल की आग में जलकर मर गया था। विक्रांत मरा नहीं है हॉस्पिटल की आग में, जेलर साहब। उसने नाटक किया है, जरूर नाटक किया है मरने का। नहीं सर ये नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रांत का पूरा शरीर उस आग में जल चुका था और डीएनए टेस्ट करने के बाद ही हमने कंफर्म किया था कि वो जली हुई लाश विक्रांत की ही। सर डीएनए रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना? हाँ, रिकॉर्ड बदले भी जा सकते थे। कोई तो है जिसने विक्रांत की मदद की थी ये सब करने में। जेलर साहब एक काम कीजिए, जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी उस दिन से लेकर आज तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। जो डॉक्टर संकल्प के घर पे थी सर, इसीलिए डॉक्टर संकल्प को जहरीला इंजेक्शन दिया होगा।
जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब समझ में आया सर, शायद डॉक्टर संकल इस नर्स के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे थे। काम करो, इस नर्स का फोटो बनवाओ और सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबरियों को दे दो। हेलो, इसी भी पद्युमन क्या? अंदर तो कोई भी नहीं है, लगता है उसने वो क्लू इधर ही कहीं आसपास छिपाया होगा। चलो ढूंढते हैं। सर, सर वहां पे सर। चलो ये भी खाली है सर। खाली है? खोलो उसको, खोलो। कचरे वाले ने कचरा साफ कर दिया, बस सुराग उसी में चला गया। सर, अगले सेकंड चल गया। पूरा कचरे वाला। एक मिनट। क्या साहब? अरे इस कचरे के डब्बे में जो कचरा था कहाँ फेंका तुमने? क्यों साहब, उस कचरे में कोई खास चीज थी क्या? अरे उस कचरे में एक मासूम की जान फंसी हुई है, कहाँ फेंका कचरा आपने? वो वहाँ उस तरफ। निकल, निकल, क्या हुआ? सर, हाँ, अरे, सर, क्या हुआ? लगता है पहुंच आ गए। सर, सर मेरी चिंता मत करिए सर, सर सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं सर, उसे बचा लेंगे। मेरे को बचा। कौन है? सिर्फ पंद्रह सेकंड। मिल गया। 3-1, 3-1, 3-6, 3-6। हॉस्पिटल जाना होगा इसको। सर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन 6 कैदियों को तुम लोगों ने रिहा करवाया था ना, उन 6 कैदियों में मैंने वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर दिया था। अब वो 6 लोग पूरे शहर में वो जानलेवा वायरस फैलाएंगे। पुस्तिल, धोखा किया तुमने हमारे साथ। वो कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने भी वही किया। मैंने पूरे शहर में और न्यूज चैनल वालों को ये खबर भेजी कि इन सब चीजों के पीछे CID का हाथ। CID वालों के कारण ही वो इन्फेक्टेड कैदी आजाद हुए। अब लोगों की नजरों से तुम CID वाले गिर जाओगे। अगर तुझमें हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा दूं, फिर देख। सामने? हाँ, बोल कहाँ मिलना है। तो ठीक है, आ जाओ माहिम कोलीवाड़ा सीलिंग पे। सर वो रही लाश। माय गॉड। एक काम करो, अब तुम गाड़ी में बैठ जाना और याद रहे कि गाड़ी का कांच नीचे मत करना। ओके सर। वैसे मैंने रोड के दोनों तरफ नाकेबंदी लगवा दी है, यहां से कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। दैट्स गुड। चलो।
लेकिन ये आदमी इतने घने जंगल में करने क्या आया होगा? इसकी हालत देख के लगता है कि बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। ये पूरा जंगल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, होना हो खूनी का अड्डा इस जंगल में है। हेलो, हाँ सर, क्या? ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर? वो नर्स एम्बुलेंस लेके कल्याण स्टेशन की तरफ गई। सर कल्याण स्टेशन? वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। सारे रेडियो स्टेशन और न्यूज चैनल्स को इन्फॉर्म किया? सर सभी न्यूज चैनल्स को कह दिया, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। सर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देते हैं। नहीं फ्रेडी, लोग डर जाएंगे और भी डर जाएंगे। लेकिन सर जो लोग पहले ही डर के हमारे शहर छोड़ के स्टेशन पहुंच चुके हैं उनका क्या? पूर्वी उन्हें तो हमें बचाना ही है, लेकिन पहले तो हमें उस औरत को रोकना है, उस औरत को जो एम्बुलेंस में स्टेशन की तरफ जा रही है, उन पांच लोगों को लेकर जो उस वायरस की चपेट में आए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो संजीव, जल्दी जल्दी। कहां तक भागेगी? शहर के मासूम लोगों को मौत देना चाहती है। मौत क्या होती है इसका पता तुझे अब चलेगा। प्लीज हटिए। यही पांच लोग हैं बेचारे जिन्हें वो जानलेवा वायरस लगा है। सच इन लोगों को संभाल के बड़े प्यार से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर ये रहा विक्रांत का। और विक्रांत भी यहीं पर छुप के बैठा होगा। वो विक्रांत मिल जाए तो इसी समंदर में डुबा दूंगा उसे। तय हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। ए, कोई होशियारी नहीं। अब मुंह इधर। चेहरा इतना भोला और काम शैतानों का। बोल क्यों किया तूने ऐसा? हाँ क्या मामला गड़बड़ है?
ये वो आदमी नहीं लगता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ए, कौन है तू? ये जैकेट में क्या? वायरस है, टाइमर लगा है। अगर ये फटा तो दवाई मच जाएगी। मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, मुझे मरना नहीं। हिलना मत। को छेड़ने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। मैं मछली नहीं, मकड़ी हूं। मकड़ी क्या? किसी मकड़ी को अपने ही जाल में फंसते हुए देखा तुमने? मकड़ी नहीं, लोमड़ी है, इसलिए छुप के वार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। बस बस, बहुत हो गई तेरी हंसी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ता है इंस्पेक्टर अभिजीत, और मुझे पकड़ने से पहले अपने पूजनीय एसीपी और उनके साथियों को मेरे जाल से तो बचा लो। ओह नो, लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। जी हाँ, अलविदा। माय गॉड, इसे भी साहब को बताना पड़ेगा। चलिए सर। ए, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? गन नीचे कर। सचिन, प्रवीण, उधर है विक्रांत का फार्म हाउस।
यहीं पर उसने उन 6 लोगों को कैदी बना के रखा था। ये देखो, यहीं पर। बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ, देखो और कोई रास्ता है कि यहां से बाहर निकलने का? कैसे हो प्रद्युमन साहब, इतनी जल्दी जाना है? और थोड़ा इंतजार नहीं करोगे? मेरा शक सही था, चूहा यहीं पे छुप कर बैठा है इस बिल में। क्यों विक्रांत, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? पाय लागू एसीपी प्रद्युमन साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ा दूर से पाय लागू कह रहा हूँ। नसीबदार हो, दूर से बात कर रहे हो, अगर पास में होते ना गर्दन मरोड़ देता। अब आएगा मजा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर दया और अभिजीत को मार दिया, अब वैसे ही तुम सबको मार दूंगा। मर गए सीआईडी को खत्म करने वाले, मर गए तुम जैसे मच्छर विक्रांत। है हिम्मत तो सामने आ। सर, मेरे लिए क्या? जल्दी से अपने मुंह ढक लो, मुंह ढक लो जल्दी। समझ गए सर। सर, सर आप ठीक हैं? मेरी बात छोड़ो अभिजीत, विक्रांत को पकड़ो, विक्रांत को। सर, हमने हर जगह देख लिया सर, विक्रांत कहीं नहीं। दया, वो यहीं पर है, यहीं पर होगा, छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे। विक्रांत, वो रहा विक्रांत। मैं देखता हूं। आप हैं? मारो और मारो, लेकिन जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते
मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसा सवाल? सर ये जानना चाहता कि गोलियां चलने के बाद भी दया और मैं बच कैसे गए, क्यों? अरे शेर का शिकार करने का सोचा भी कैसे तुमने, अकल के दुश्मन? जहां पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से सीआईडी की सोच शुरू होती है। तुम जैसे मच्छरों का सामना करने के लिए सीआईडी हमेशा तैयार रहती है, समझे? बताओ क्यों मारना चाहते थे तुम उन छह लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। मगर अफसोस सारे लोग बच गए। कैसे? कैसे? जो जानलेवा वायरस तुमने डॉक्टर संकल्प से चुराया था उसी वायरस का एंटीडोट डॉक्टर संकल्प ने बनाया था, उसी वायरस का एंटीडोट, और उसी एंटीडोट की वजह से ये सारे लोग बच गए, हमने बचाया उनको। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे विक्रांत। ऑफिसर पकड़े जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा मकसद अधूरा रह गया, सीआईडी को बदनाम करने का मकसद, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मेरा पूरा परिवार बिखर गया। जो भी कहना साफ साफ बताओ। सीआईडी के कारण मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मैं जेल से भाग के घर पहुंचा तो घर वाले मुझसे नफरत करने लगे थे, कोई मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब तुम लोगों के कारण हुआ, मेरा पूरा परिवार तुम लोगों के कारण बर्बाद हो गया, बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। सीआईडी को मिट्टी में मिलाने चला था तू? इस देश की जनता का विश्वास हमारा गर्व है और उसे हम किसी भी हालत में गंवा नहीं सकते, समझे तुम? विक्रांत तुमने छह मासूम लोगों की जाने लेने की कोशिश की, और तो और दो सीआईडी ऑफिसर्स पर गोलियां भी चलाई, तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.